ओम शांति 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 ही। सौभाग्य आपकी मुट्ठी में। तो सौभाग्य को मुट्ठी में आखिर कैसे किया जा सकता है, आज हम जानेंगे और बेहद ही आसान उपायों के माध्यम से जानेंगे। साथियों, जब उपाय पता नहीं होता तो हमें जिंदगी बेवफा नजर आती है। और बॉलीवुड का एक गाना आपने अवश्य सुना होगा कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत जो है वो महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। परंतु जिनको जिंदगी के राज, जिंदगी के रहस्य, जन्म पत्रिका का रहस्य पता होता है, वो जिंदगी को कभी बेवफा नहीं कहते, बल्कि उनके लिए तो जिंदगी, जीवन ही सबसे बड़ी महबूबा होती है। भाग्य और कर्म, इन दोनों को हम प्रायः शत्रु मान लेते हैं। जो भाग्यवादी होता है वो कहता है कर्म से कुछ नहीं होगा, जो कर्मवादी होता है वो कहता है कि भाग्य से कुछ नहीं होगा, जबकि हकीकत कुछ अलग ही है। हकीकत यह है कि ना तो केवल भाग्य के भरोसे और ना केवल कर्म के भरोसे व्यक्ति कभी भी सौभाग्य की प्राप्ति कर सकता है। इन दोनों का जो संतुलन है, इन दोनों का जो सामंजस्य है, उसी से खुशी और उसी से आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और पुनर्जन्म के ही कारण जो पिछले कई कर्मों के हमारे संचित कर्म है, उसी को हम इस मानव शरीर के माध्यम से प्रारब्ध के रूप में भोगने का सारा क्रियाकलाप करते हैं। तो बेहद आसानी से आज ये जानते हैं कि भाग्य एक दो तीन नहीं, पूरे 9 प्रकार के भाग्य होते हैं। बिना किसी देरी के और थोड़ा आसानी से इसको समझने का प्रयास कर सके, ताकि आपके लिए भी सौभाग्य बहुत दूर की कौड़ी ना हो बल्कि आपकी मुट्ठी में ही। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात हम कर रहे हैं भाग्य की और कर्म की। बात को मैं शुरू करूं, विस्तार से इस पर चर्चा करूं, उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपके लिए कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप आर्थिक रूप से समृद्धशाली हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सौभाग्य आपके पास में है, परंतु आपका जीवन साथी यदि बीमार है, आपकी संतान यदि बीमार है, आपके माता या पिता, यदि आपका कोई भी ऐसा परिजन जिसे आप स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं या सम्मान करते हैं, यदि वो संकट में है, तो क्या आप हर प्रकार से कभी भी सुख का अनुभव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि बहुत आसानी से, क्योंकि जन्म पत्रिका जब हमारे समक्ष आती है तब हम तो उसको 5 सेकंड में समझ जाते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत परेशानी है और इसका उपाय क्या है। आज हम चर्चा करेंगे पूरे 9 प्रकार के भाग्य। भाग्य कोई एक प्रकार का नहीं होता। जब तक ये 9 प्रकार के भाग्य किसी व्यक्ति के साथ में ना हो, उसको कभी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और 9 ही है ग्रह। प्रत्येक भाग्य पर किसी एक ग्रह का कंट्रोल, नियंत्रण होता है। उसकी प्रतिकूल, उसकी अनुकूल जो स्थितियां हैं, उसी से निर्धारित होता है कि व्यक्ति का सौभाग्य कैसा रहेगा। और साथ ही बड़ा आसान सा कर्म आपको बतलाएंगे जो उस ग्रह को मजबूत करेगा और उस भाग्य को मजबूत करने का आपके कार्य करेगा। हम एक जन्म पत्रिका का सहारा ले रहे हैं, फिलहाल इस जन्म पत्रिका को खाली रख रहे हैं, जहां जहां पर जरूरत होगी उस प्रकार से हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्वयं की ही। हम ये आमतौर पर सुनते भी है ना, अगर हमारे साथ में कुछ बुरी घटना घटी है तो
तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, पिछले जन्म में जरूर तुमने कुछ बुरा कर्म किया होगा तभी तुम्हारे साथ में ये हुआ। यदि हम कोई सफलता अर्जित कर लेते हैं तब भी लोग यही कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने बहुत दान पुण्य किए होंगे और उसी के नतीजे के अनुसार आपको यह सुख भोगने को मिला। साथियों, जन्म पत्रिका में जो शनिदेव की स्थिति है वो ये निर्धारित करती है। शनि यदि पीड़ित है तो आप समझ जाइए कि पिछले जन्म में आपके कर्म बुरे थे, खराब थे। तो ये जो पहले प्रकार का भाग्य है ये है हमारे स्वयं का भाग्य। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए थे उसका हम भुगतान यहाँ पर प्रारब्ध के रूप में करते हैं, या जो सुख उठाते हैं वो प्रारब्ध के रूप में उठाते हैं। तो यदि शनि पीड़ित है, नीच राशि का है, राहु या केतु के साथ में युद्ध करके विराजमान है, या फिर वो शून्य डिग्री 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि पिछले जन्म में हमारे स्वयं के कर्म अच्छे नहीं रहे। तो अब करना क्या रहा? अब करना ये रहा कि इस जन्म में जो इस समय हम कार्य कर रहे होते हैं उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। यदि हम अपने पिछले जन्मों को सही करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा यही उपाय है कि अब हम इस पल से ही सत्कर्म में जुट जाएं। किसी के साथ धोखा नहीं, किसी को झूठ का सहारा नहीं, सदैव सत्यवादी और अच्छे आचरण का यदि पालन करते हैं तो शनि को भी मजबूर होना पड़ेगा आपको सही परिणाम देने के लिए। दूसरा जो भाग्य है वो है हमारे पितृ कर्म। देखिए, अगर आपके पिताजी ने कोई कर्ज लिया है और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो कर्ज मांगने वाले हैं वो आपके पास में आएंगे, वो कहेंगे कि भाई आपके पिताजी ने कर्ज लिया था, अब आपको ये चुकाना पड़ेगा। और ऐसा ही कर्मों के साथ में है। यदि हमारे पिता, पितामह और जितने भी पितर हैं यदि उनके कोई कर्म बुरे थे तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमको भी करना पड़ेगा। और इसका जो डिपार्टमेंट है ये है राहु देव का डिपार्टमेंट। आप स्वयं जज कर सकते हैं। पितृ दोष नाम की भी एक चीज होती है और जब सारे प्रयास करने के बावजूद लगातार सम्मान हानि आपको मिलती है, लोगों को आप इज्जत देते हैं पर लोग आपको इज्जत नहीं देते, कितना ही चाहे आप किसी के लिए भला कर दो, गर्दन भी यदि किसी के लिए आप कटवा दो तो लोग कहते हैं कि ये गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी काट दी, इसको सीधी काटनी चाहिए थी। कहने का अर्थ यह है कि यश नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो यदि राहु को आपको सुधारना है, और ये स्पष्ट लक्षण है कि राहु खराब है, मैं तो बिना कुंडली देखे ही आपको कह सकता हूं, तो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप श्राद्ध कर्म टाइम टू टाइम करें, पूर्वजों का सम्मान करें, पूर्वजों का सम्मान जब भी उनकी तिथि आती है उस समय रात्रि जागरण करें, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें कि किसी प्रकार का कोई पितृ दोष या पैतृक परेशानी आपके यहाँ पर चली तो नहीं आ रही है, यदि है तो उसको दूर करने का आप प्रयास करें। अब है बात तीसरे प्रकार का जो भाग्य है वो। तीसरे प्रकार के भाग्य को हमारी माता के पूर्व जन्मों से जोड़ करके देखा जाता है और इसका सीधा सा असर यह होता है कि चंद्रमा, क्योंकि माता से उसका संबंध होता है तो चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो जाता है, त्रिक स्थानों में जाकर के बैठ जाता है, या वो शून्य डिग्री 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है, या फिर वो राहु केतु शनि के साथ में युत होकर के बैठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख एक तो कम मिलता है, या माता से उनके विचार नहीं मिलते, या उनकी माता सदैव बीमार रहती है, साथ ही उनको स्वयं को भी श्वसन तंत्र की, नजले की, जुकाम की समस्या सदैव बनी रहती है। तो ये सारे के सारे कर्म इस बात के संकेत हैं कि चंद्रमा आपका पीड़ित है। अब इसके लिए चाहिए क्या कि माता और माता तुल्य सभी स्त्रियों का सम्मान करें, नियमित रूप से उनका आशीर्वाद लें, बस दैट्स इट। कोई बहुत ज्यादा कर्मकांड करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब है चौथा कर्म जो कि पिता का कर्म है, और मैंने आपको पूर्व में ही समझाया कि हमारे सुखी रहने से, क्योंकि हमारा सुख दूसरों पर आश्रित है, हम तभी खुश रह सकते हैं जबकि हमारे अपने खुश रहें।
एक बार हम खुद को दुखी देख सकते हैं, पर अपनों को दुखी हम नहीं देख सकते। तो पिता के कर्म सूर्य से निर्धारित होते हैं। यदि सूर्य त्रिक स्थानों पर है, पाप ग्रह के साथ में है, खासतौर पर राहु केतु शनि के साथ में है, और सरकारी कार्य आपके कभी भी नहीं बनते, 3 दिन का काम आपका 30 दिन में भी पूरा नहीं होता, और सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं तो झूठे आरोप आप पर लगाए जाते हैं, आपके जो साथ कार्य करने वाले लोग हैं वो एक ही कार्य करते हैं, आपकी टांग खींचने का कार्य, प्रमोशन आपका ड्यू है, कहीं ना कहीं फाइल पर ऐसी टिप्पणी लिख दी जाएगी कि आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, ये सारे संकेत हैं सूर्य के खराब होने के, और ये जो चौथा भाग्य है इसके खराब होने के। अब करना क्या है, पिता और पिता तुल्य व्यक्ति इन सबका नियमित रूप से आशीर्वाद लें, दिल से इनका सम्मान करें, सूर्य को ठीक होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथियों चौथा भाग्य हो गया, अब बात करते हैं पांचवें भाग की, और पांचवा जो भाग्य है ये सीधा सीधा हमारे जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। अगर आप स्त्री हैं तो पति से संबंधित है, और पुरुष हैं तो आपकी पत्नी से संबंधित है, जीवन साथी से संबंधित है, और इसका अधिपति होता है शुक्र देव। अब ये किस प्रकार के संकट आपको देगा, ये आपको संकट देगा कि या तो आपको गलत रास्ते पर लेकर के चला जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित करने का कार्य करेगा, आपको जीवन साथी के सामने इतना चिड़चिड़ा और गुस्सेल बना देगा कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पर रोजाना 365 दिन झगड़ा करने का कार्य करेंगे। ये सारे के सारे संकेत हैं, और ये संकेत आपको नजर आ रहे हैं, इसको आप टैली कर सकते हैं शुक्र की स्थिति से। शुक्र यदि त्रिक भाव में हो, पाप प्रभाव में हो, खासतौर पर राहु केतु शनि के साथ में हो, 0 या 28-29 डिग्री का हो, ये सारी की सारी स्थितियां ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि शुक्र पीड़ित है। अब करना क्या रहा, इसका सीधा सा इलाज यही है कि अपने जीवन साथी के साथ में 1000% वफादार रहें। उनके अलावा धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं वो आपके लिए माता या बहन के तुल्य होनी चाहिए, और ये स्त्रियों के लिए भी है, उनको भी इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। यदि वो अपने इस पांचवें भाग्य को और अपने शुक्र को और जीवन साथी से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो। अब साथियों बात करते हैं छठे भाग्य की। ये सीधा सीधा संतान से संबंधित है, और संतान का जो डिपार्टमेंट है ज्योतिष में वो है देव गुरु बृहस्पति का। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु संतान जो है वो उद्दंड है, आपका कहना नहीं मानती, आपने सारे तरीके आजमा लिए परंतु वो आपका कहना नहीं मानती है। कहने का अर्थ ये कि जो संतान आपके यहां पर उत्पन्न हुई है वो अपने आप जो कर्म पिछले जन्म में करके आई है उसका आपसे वो रिजल्ट प्राप्त कर रही है। कई बार हम देखते हैं ना हमने आसपास कि माता पिता संतान के लिए सब कुछ करते हैं, पर संतान माता पिता के लिए एक रत्ती भर भी कार्य नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे मांगने के लिए, वसूल करने के लिए ही उनके घर पे वो पैदा हुआ है। और जो संतान आज्ञाकारी है, पूर्ण रूप से माता पिता के लिए वो समर्पित है, तो इसका भी लेन देन पिछले जन्म का ही है। तो इसका भी हम जन्म कुंडली से अंदाजा लगा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति यदि त्रिक भाव में है या फिर 0 डिग्री के हैं या फिर वो राहु केतु शनि जैसे ग्रहों के साथ में है, तो ये व्यक्ति को संतान पीड़ा देता है, या तो संतान से वंचित रखता है या ऐसी संतान देता है कि व्यक्ति यही कहता फिरता है कि इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही ठीक था। तो बचपन से, जब आपके संतान के बचपन की बात कर रहा हूं, उसको संस्कार देने के प्रयास करें। देखिए परवरिश पर सब कुछ निर्भर करता है, गुरु के उपाय तो हम कर लेंगे परंतु आज इस एपिसोड में मैं कर्म आधारित उपाय आपको बतलाने का कार्य कर रहा हूं। बचपन से ही आप उनको धर्म स्थलों पर लेकर के जाएं, ऐसे व्यक्तियों से मिलवाएं जिनका स्वयं का जीवन एक आदर्श हो, महान लोगों की उनको जीवन गाथा पढ़ करके सुनाएं या उनको पढ़ने के लिए दें, ताकि उनमें संस्कार के जो बीज हैं वो बचपन से ही पुष्पित पल्लवित हो सके। साथियों सातवें प्रकार का जो भाग्य कहा गया है वो है बाह्य
बाह्य का अर्थ होता है बाहरी, भाग्य जो है, और इसका सीधा सीधा संबंध बुध के साथ में होता है। बाहरी मतलब हमारे परिवार के बाहर के। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में लोगों को केवल धोखा देने का कार्य किया है, झूठ के बलबूते सब कुछ उसने जुटाया है, तो उसका बुध खराब होगा ही होगा, उसकी वाणी खराब होगी ही होगी, उसका व्यापार में घाटा होगा ही होगा, उसके नौकरी में बरकत कभी नहीं हो पाएगी। अगर ये सारी स्थितियां हैं, और इसका अंदाजा हम जन्म पत्रिका से लगा सकते हैं कि यदि बुधदेव त्रिक भावों में विराजमान है, शून्य या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या फिर पाप ग्रह के साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी संगत हमेशा अच्छी रखे। जो लोग नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखें। और जो उनके अच्छे दोस्त हैं, देखिए आपके जो दोस्त हैं, आप अगर लंबे समय तक दोस्त हैं तो आप पहचान पाएंगे कि ये मेरा सच्चा दोस्त है। तो जो आपका सच्चा दोस्त है उसके साथ में कभी भी आपको गद्दारी नहीं करनी चाहिए। साथियों, अब बात आठवें प्रकार का जो भाग्य है उसकी, और आठवें प्रकार का भाग्य ग्रह देव से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि क्षेत्रपाल या कुल देवता, इसका कॉन्सेप्ट हमारे लोक जीवन में है, बड़ा ही रचा बसा है। तो इनका जो अधिपति है वो जन्म पत्रिका में होते हैं मंगल देव, और मंगल देव यदि त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाए, पाप ग्रहों के साथ में हो, खासतौर पर राहु केतु शनि के साथ में, या शून्य डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए, या फिर नीच राशि के हो जाए, कर्क में यदि बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ये सीधा सा संकेत तो है कि पिछले जन्म में उसने अपने मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि के साथ में जो कर्तव्य था वो नहीं निभाया, या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी न किसी प्रकार का दगा उसने किया है, और यही नतीजा है कि उसको खराब मंगल का सामना करना पड़ रहा है। उपाय क्या है ऐसे व्यक्ति के लिए कि उसको अपनी मातृभूमि जहां पर आप पैदा हुए हैं, अपनी कर्म भूमि जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें, जो भी मदद हो सकती है करें। आप गांव में जो आपका पैतृक गांव है वहां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराएं, जितने आप सक्षम है उस रूप से मदद करें, कोई प्याऊ बनवाएं, पाठशाला या किसी की मदद आप जितनी ज्यादा करेंगे, मंगल देव आपके मजबूत होंगे और मंगल संबंधी जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और अंतिम और नौवा जो भाग्य है वो हमारे मातृ पक्ष से, जैसे हमने पहले चर्चा की पैतृक जिसमें पिता, पितामह और इस प्रकार के जो क्रम है वो शामिल होते हैं, इस नौवे प्रकार के भाग्य में जो हमारा ननिहाल पक्ष है वो संपूर्ण इसमें शामिल है। ये एक रिश्तों का ताना बाना है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो पीड़ा है उसका संकेत है जन्म पत्रिका में केतु की विपरीत या प्रतिकूल स्थिति। और इसका सीधा सा संबंध यदि आप देखें तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्किन को लेकर के सदैव पीड़ित रहता है, और उसके भी जो सरकारी कार्य हैं वो बनते हैं, सारे कार्य उसके सरकारी बनेंगे परंतु बहुत ज्यादा देरी के साथ में। उसका खून पसीने से कमाया गया पैसा किसी ठग के द्वारा उससे ठग करके ले जाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यदि आपके साथ में है तो अपने ननिहाल पक्ष का सम्मान करें, ननिहाल पक्ष के लोगों से समय समय पर भेंट करें, उनको किसी प्रकार का उपहार जरूर दें। जो आपसे बुजुर्ग हैं, आपसे बड़े हैं उम्र में, उनका आप आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, खासतौर पर ननिहाल पक्ष की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों, आज हमने ये जाना कि भाग्य कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के भाग्य का अधिपति कौन सा ग्रह है, उसकी पहचान क्या है जन्म पत्रिका में और व्यवहारिक जीवन में, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है केवल अपने व्यवहार के द्वारा बिना किसी कर्मकांड के। तो साथियों, इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले और हमारे कष्टों को हरने वाले कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए।